तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट बोलने का समय होने वाला है, रात हो रही है। बाकी गाइस, अभी गाइस ने ऐसा है कि आज सुबह से ऐसा कुछ तो मैंने करा नहीं जिसकी मैं ब्लॉगिंग बना के आपको दिखाऊं, लेकिन अभी गाइस हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए अपने घर के पास वाले मॉल में ही। तो चलते हैं वहीं पर और वहीं पर बनाएंगे वीडियो फिर। बाकी मम्मा जो हम सब रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं अब। उधर खिसक खिसक। फाइनली पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे गए मम्मा जी और मैं पवन के कीड़े कर रहे थे। तो वही समय में पहले डिनर करने के लिए आ गए थे, इसके बाद जाते हैं अपने घर के पास वाले मॉल में। खैर आज तो बहुत खाली खाली सा है, यहाँ पे भी बैठे उधर बैठते हैं। तो अपना खाना आ चुका है, आज यहाँ पे खाने में पनीर टिक्का मसाला, दाल मखानी, ये मेरी तवा रोटी है, मम्मा जी के लिए लच्छा पराठा है, और यहाँ पे इनका पता नहीं चिली चिकन कुछ है, और साथ में तंदूरी रोटी। फाइनली ऐसे खाने वगैरह के फ्री हो चुके हैं और अब जा रहे हैं अपने घर के पास वाले मॉल में। अपने घर के पास वाले मॉल में पहुंच चुके हैं, इसकी वजह से आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसकी बहुत अच्छा होती है यहाँ पे जो गेम्स होने वहाँ पे खेलने की। तो वही यहाँ पे आते हैं, हमें एक बच्ची दिखी थी जिसको एस्केलेटर में चलना था लेकिन उससे चढ़ा नहीं आ रहा था। भैया ने धोखा दे दिया। आपके गाइस यहाँ पे उसकी मम्मी भी ऐसे ऊपर आ रही थी, तो मेरे को लगा आप सब कुछ ओके तो चलते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे बहुत खतरनाक हादसा होते होते रह गया। सच बता रहा हूँ गाइस, मजाक से हटके, व्लॉग से हटके, ये बहुत ही रिस्की था जो भी था वो। गया नीचे आंटी की वीडियो बना दी थी इनकी एक्सीलेटर में से ऊपर आते हुए, और अगर वो गिर जाती ना गाइस गलती से, बहुत गंदी लगती है सच बता रहा हूँ, और बहुत खतरनाक हादसा भी हो सकता था जो होते होते रह गया। रोज की तरह हम सबसे पहले वाला गेम खेल रहे हैं, और हो सकेगा तो मैं भाई को एक पॉइंट दे देने दूंगा इस पर, बाकी देखते हैं जो भी है। गाइस यार अब क्या बोलूँ, वीडियो जानता तो आपको थोड़ी देर में मम्मी को हराने के बाद मिलता हूँ। यार ये गेम सच्ची में यहाँ पे आके भी ये गेम खेलने थे तो मोबाइल में खेल लेते फिर। बात तो सही है। उससे भी तो ऐसे उंगली टच करके मारना पड़ता है सर। यहाँ पे हर बार की तरह पवन टिकट वाला खेल रहा है, 15 मेरी चांस आ गई है, 40 आई है, नहीं 13 से कम 4 भी होती है, पापा जी की भी 25 आई है। क्या करना है इस गेम में, लाइट घूमेगी और हमें काले वाले में रोकना है जिसका सबसे ज्यादा छोटा साइज दिख रहा है, छोटा साइज दिख रहा है उस पर। ये इस पे तो जीतने का हो ही नहीं सकता फिर। तो भाई यहाँ पे पवन बर्गर पैक करके घर पे लेके जा रहा है, मम्मा जी आपा जी नीचे जा चुके हैं, और बर्गर किंग वालों ने यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, कह रहे टाइम लगेगा 2 मिनट। दो क्या, अच्छा 2 बर्गर पैक कराए तूने। तो वो इस बर्गर लेके ऐसे भग रहा है जैसे कि मैं अभी छीन लूंगा इससे। A few moments later. Finally घर पे पहुंच चुका हूं और आपको सुबह उठ के मिलता हूं। गुड नाइट। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं सुबह जग चुका हूं और बहुत देर बजा जग गया था वैसे तो, अभी मैं रेडी हो चुका हूं गाइस। क्यों, मैं जा रहा हूं पवन को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं, मैं जा रहा हूं पवन को स्कूल से लेने के लिए, और मतलब है ना जाते हुए गाइस क्या है, मेरा जो कॉलेज भी आता है तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी जानकारी ले लूँ कब से खुल रहा है, क्योंकि इतनी बार पूछ लिया गाइस और अभी तक कोई फिक्स डेट आई नहीं है, पता नहीं आज भी आई होगी कि नहीं, लेकिन जाते हैं देखते हैं, जो किसी ने आपको बताते हैं। और मैं स्कूटी में जा रहा हूँ गाइस अभी।
बॉयज़ फाइनली कॉलेज पहुंच चुका हूं और आज फर्स्ट टाइम यहां पे इतनी ज़्यादा भीड़ दिखी है मुझे। मतलब स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही आ गया आज अंदर, नहीं तो वैसे तो इतना सुनसान दिखता है ये एरिया, क्या बताऊं गाइस। अभी गाइस यहां पे 11:50 हो रहे हैं और पवन की छुट्टी 12:30 बजे होती है, तो तब तक मेरे को थोड़ा बहुत यहीं पर टाइम पास करना पड़ेगा, नहीं तो उसके स्कूल के बाहर ऐसे बोर हो जाऊँगा मैं तो खड़ा खड़ा। और भाई कैसे, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम। तो गाइस यहाँ पे आके मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे इतनी भीड़ की हो रही है आज, क्योंकि आज एग्ज़ाम वगैरह था कुछ अंदर, और यहाँ पे हम अंदर बच्चों को भी देख पाए थे जो बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे थे एग्ज़ाम देते समय। इसके बाद फिलहाल गाइस मैं पवन को लेने के लिए निकल रहा था, क्योंकि 12:20 हो चुके थे, 10 मिनट बचे थे बस। बाकी मैंने देखा कि मेरे स्कूटी में कब्जा करके बैठे हुए लोग, तो फिर मैं पीछे आ गया इनके, तब भी मेरे को इग्नोर मार रहे थे, फिर मैंने चाबी दिखाई तब जाके हटे। यहाँ पे पवन के स्कूल पहुँच गया था, बच्चों की छुट्टी होने लगी। बेसिकली क्या है गाइस, जो बड़े बच्चे होते हैं वो लेट आते हैं, छोटे बच्चों को पहले भेजा जाता है, तो मैं तेर से यही सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा कि पवन क्यों नहीं आया अभी तक, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर से, नहीं तो वो तो दूर से चमकता हुआ दिख जाता है लगी। क्या नहीं गाइस, कन्फ्यूज मत हो, पवन नहीं है, हर छोटा सरदा देख से दिखता है, लेकिन पवन हमारा हत्ता करता दिखता है थोड़ा यार। मैं वो ही सोच यार कि दिख क्यों नहीं रहा दूर से, देख बारिश होने लग गया। हाँ वो रुक गया, चले वैसे गाइस सच बात तो ये है कि है ना, जब आप स्कूल पास कर लेते हो ना और उसके बाद आप बच्चों को देखते हो ऐसे स्कूल आते जाते हुए, तब अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता मैं। वैसे बिहाइंड द सीन इस वीडियो का पवन परेशान हो गया था वीडियो बनाता, क्योंकि मैं इसको मोबाइल पकड़ा के स्कूटी चला रहा था ना। कितनी बनाऊं तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, स्कूटी वहीं पे लगाई है, रास्ते में बारिश होने लग गई थी। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूं घर के काम वगैरह करने के लिए। हाँ मतलब वही गाइस, बर्तन धो रहा हूँ अभी, तो आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस इसके बाद घर के काम वगैरह करके खाने वगैरह खा के हर चीज़ करके फ्री हो चुका था, पवन के ट्यूशन वाले सर भी आ चुके थे, पवन पढ़ाई भी करने लग गया था। फिर गाइस मैं फुटबॉल खेलने के लिए निकल गया, और फुटबॉल जब मैं खेल रहा था आपको आज दिखा रहा हूँ मैं किधर खेलता हूँ जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब, और हमारे अभी ग्राउंड का क्या हाल चल रहा है सब। अभी क्या मैं जिमनी कहने से चल दिया गया यहाँ पे वैसे, और देखो गाइस ये हो रहा है कुछ ग्राउंड के हाल हमारे। और अब किधर खेलते हो बताता हूँ आपको, हम अभी इंडोर फुटबॉल खेल रहे हैं गाइस, और इसके भी टूर्नामेंट होते हैं हमारे, तो थोड़ा मतलब सीखने को भी मिल जाता है कि अंदर कैसे एडवांटेज ले सकते हैं हम, जैसे कि दीवार पे मार के पीछे कर ली बॉल हमने, इस टाइप का कुछ। यहाँ पे खेलते हैं अभी हम। अबे इतनी चींटियाँ कहाँ से आ गई तेरे भाई, इसके पूरे ऊपर कपड़ों में चींटी, जूतों में चींटियाँ, ये देखो गाइस हल्की हल्की तो दिख रही होगी आपको। और गाइस इसके बाद मैं फुटबॉल वगैरह खेल के फ्री होके जिम पहुंच गया था, और जिम में गाइस मैंने बहुत ज़्यादा दबा के एक्सरसाइज करी, ऑलमोस्ट 1-2 घंटा करी आज, क्योंकि मैं लेट हो गया था जिम आने में। बाकी इसके बाद गाइस घर आए, घर पे आके खाना खाया, और इसके बाद बस मुझे थोड़े घर के काम वगैरह करने हैं, बर्तन वगैरह धोने हैं, तो इसी के साथ मैं लास्ट क्लॉक यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया, कुछ भी पसंद है तो लाइक कर देना, अगर सुबह नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिले नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।